खान साहब अभी अभी गए। बस जो बेस्ट हो उसको मिले, जो डिजर्व करता है उसको मिले, और सच का साथ दे वो जो कास्टिंग करने वाले रहते हैं वो। बाजी आप तो जानते ही है फिर। तो भाई ये बात नहीं, जो जीएसटी अभी जो लागू हुआ है उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? यार ये एक पॉलिसी है यार, धीरे धीरे जनता का पैसा हड़पने की। पहले नोटबंदी, उसके बाद फिर जीएसटी, फिर पता नहीं कौन सी टी आएगी। तो ये आई थिंक सो हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे पहले कि ये कभी अच्छी बात नहीं है, लागू नहीं हो सकता, और अब कह रहे हैं कि ये बेस्ट चीज़ है। ये जनता के हाथ में, जनता जवाब नहीं मांगती है, यूनाइट होगी और जवाब मांगेगी, रोड पे निकलेगी तो फिर होगा, वरना अब तो व्यापारी जो सरकार का प्रशासन का विरोध करते हैं उनको भी पुलिस लकड़ियों से लाठियों से मारती है, तो मतलब अब तो आवाज़ उठाना भी डेंजरस है। माशाल्लाह एक केस मेरे पास आया था ताहिर का, अभी 25 लोगों का इलाज अंबानी में चल रहा है और अच्छे से हो रहा है, वहाँ खड़े रह के हो रहा है। हमने सोचा कि यार एक ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए जिस पे गरीबों का भी इलाज अच्छी जगह पे हो जाए, वरना सरकारी में तो गरीब लोग मारे ही जाते हैं। तो 25 हो गए, अभी इससे और हो रहा है। हमने यही बोला है कि 11 रुपये डोनेट करिए हमारे ट्रस्ट में इंशाल्लाह, और लाइव हर चीज़ होगी, इलाज भी लाइव दिखाया जा रहा है। जब हमारे को फेसबुक मिला हुआ है तो सब दिखा के करिए, और हो रहा है, और 4-5 लोग क्योर भी हो गए। हमारी एक बहन जिसका इलाज अभी हमने सोमा वर्मा कैंसर का ऑपरेशन, वरना वो मरने वाली थी लेकिन उसका ऑपरेशन हो गया, टचवुड, वो बच गई अंबानी में, ताहिर बच गया। तो इस तरह से ट्रस्ट इन गॉड नॉट इन डॉक्टर्स, यू नो। यार इंशाल्लाह बस यही हो के सलमान भाई के जो केस है हमारे पास आ जाए, जिनको वहाँ से इलाज नहीं मिला तो हम करवा देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।